आरक्षण की आग में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना करीब 15 साल की सत्ता छोड़ अपने वतन से भाग गईं। इसी के साथ बांग्लादेश से शेख हसीना और उनकी सरकार की विदाई हो गई। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिंदगी के लिए आखिरी 45 घंटे दर अपने देश को छोड़कर भारत आना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश की सेना ने शेख हसीना को इस्तीफा देने के लिए महज 45 मिनट का ही वक्त दिया था, जिसके बाद जल्दबाजी में उन्हें राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा। सूत्रों ने बताया कि हसीना बांग्लादेश छोड़ने से पहले राष्ट्र के नाम एक संदेश देना चाहती थी, अपने देश की आवाम को संबोधित करना चाहती थी, लेकिन सेना ने उन्हें ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी। यहां तक कि शेख हसीना ने जनता को संदेश देने के लिए एक चिट्ठी लिखी थी, लेकिन सेना के अधिकारियों ने वो चिट्ठी पढ़ने और उन्हें अपना भाषण रिकॉर्ड करने से भी मना कर दिया, जिसके बाद सेना प्रमुख ने अल्टीमेटम देते हुए शेख हसीना से कहा, आपके पास सिर्फ 45 मिनट है। इतना सुनते ही शेख हसीना ने फौरन अपने पद से इस्तीफा दिया और विमान में बैठकर अपना मुल्क छोड़ दिया। वहीं शेख हसीना के पीएम पद से इस्तीफा के बाद हजारों प्रदर्शनकारियों ने उनके सरकारी आवास पर धावा बोल दिया, लेकिन शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद भी बांग्लादेश में हिंसा की आग शांत नहीं हुई। जगह जगह प्रदर्शन, नारेबाजी, झड़प, आगजनी, फायरिंग और तोड़फोड़ हो रही है। प्रतिमाएं और दफ्तर तोड़े जा रहे हैं, ना जाने कितने लोग मारे जा चुके हैं। बहरहाल बांग्लादेश में आरक्षण की आग कब बुझेगी, ये सवाल बड़ा है, और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि इस आग में कितने और लोग अपनी जान गंवाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।